ये देखो पेड़ के सामने से बंदा निकला यार, अभी पेड़ पे टच कर जाए। श्योर ये पेट्रोल है डीजल है, लेकिन भाई अमेजिंग लगती है भाई थार यार। टाइम पे इतना ज्यादा रश हो रहा है कि लोग भाई This is Aki and welcome to my YouTube channel Aki the Rider. तो कैसे हैं आप लोग? I hope so आप लोग सब बढ़िया होंगे और rock कर रहे होंगे। So guys आज का vlog ये है कि यार मैं जा रहा हूँ अपने घर और मैं जा रहा हूँ अपनी Swift से। So total distance होगा 265 या 270 किलोमीटर और मैंने अभी गाड़ी का कराया है टैंक फुल। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी टैंक फुल। देखो मैंने गाड़ी का करा रखा है। सो गाइस अभी मैंने देखो जैसे ये गाड़ी कराई है अपनी पूरी टैंक फुल और टैंक फुल होके देखो पूरी सुई भी ऊपर आ रही है। और अभी मैं दिखाऊँ तो मेरी गाड़ी चल रही है 2,902 किलोमीटर्स और ट्रिप अभी है 33 किलोमीटर्स। मैं इसको कर देता हूँ ज़ीरो। तो ये ट्रिप ए है, ये मैं घर से चला हूँ तो 6 किलोमीटर्स पेट्रोल पंप तक का था। और ये ट्रिप बी है, इसको मैं कर देता हूँ ज़ीरो, ठीक है, ताकि हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कार अभी कितना एवरेज दे रही है। अगर मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो अभी ये करेंटली सिटी में दिखा रहा है 13.1 किलोमीटर का एवरेज और सुबह के अभी बज रहे हैं 8:54। तो चलो गाइस चलते हैं आगे। और रेंज दिखा रहा है अभी 420, ये दिखा रहा है एज़ पर एवरेज, क्योंकि अभी 13.1 का एवरेज मिल रहा है एसी पे गाड़ी का सिटी में। सो अभी जैसे ही एवरेज बढ़ेगा तो रेंज भी बढ़ जाएगी। तो रेंज इसकी जहाँ तक है जाती है 560 या 600 किलोमीटर्स के आसपास। तो ठीक है गाइस चलते हैं फिर आगे और फिर आपको ट्रिप का एंजॉय भी कराते हैं। रास्ते में जो भी होगा मैं आपको स्टेटस वगैरह और सब सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह शेयर करूँगा। सो गाइस मेन चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अभी जैसे कि आपने देखा होगा साइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने गाड़ी में डलवाया है 34 लीटर्स ऑफ ऑयल और मेरा टोटल बिल जो बना है वो भी देखो मैं ये स्लिप है, स्लिप में आपको दिखा देता हूँ। स्लिप में आपको दिख रहा होगा ये 3367 रुपीज़ का ऑयल इसमें डला है। तो पर लीटर के हिसाब से कितना मिलता है वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको अभी इसमें सब दिखाऊंगा। सो चलो गाइस चलते हैं सीधा आगे और आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस ये देखिए कि गुड़गांव में नया पुल बना है जो कि सीधा सोना को कनेक्ट करता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था और बहुत अमेजिंग पुल है यार ये, सीरियसली मतलब आपका सारा का सारा ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है और सीधा बादशाहपुर और उस रोड से ये पूरा कनेक्ट होता है। तो अभी आप देखोगे मतलब इतना स्मूथ है, थोड़ा सा टोल ज़्यादा महंगा है इसका, काफ़ी अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि टोल काफ़ी महंगा कर रखा है। तो वो भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि कितना टोल वगैरह कटता है, क्योंकि कटेगा तो मेरा फास्टैग से ही। लेकिन हाँ रोड के मामले में बात की जाए तो यार टॉप नोच है। मतलब अभी मैं फ़िलहाल ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला रहा क्योंकि फैमिली के साथ हूँ, तो गाड़ी अगर मैं बताऊँ अभी तो ऑन एन एवरेज 60 की स्पीड पर चल रही है। आराम से आप मतलब 70-80 पे चला सकते हो विदाउट ट्रैफिक, क्योंकि वरना पहले क्या होता था कि इस रूट पर चलने में आपको मतलब घंटों लग जाते थे। यहाँ से सुभाष चौक तक ही पहुँचने में यार आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, वो भी मॉर्निंग में। अभी देखो 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो 9 बजे के हिसाब से अगर आप देखो भाई तो सारा का सारा ट्रैफिक नीचे, जिसको आउट ऑफ गुड़गांव जाना है और सीधा बाईपास से कनेक्ट करना है, तो के लिए तो ये मतलब बहुत ऑसम रोड है। मतलब आप देखो बहुत अमेजिंग रोड बना हुआ है, आराम से मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और बाकी चलो गाइस चलते हैं, थोड़ा आप रोड का एंजॉय करो और बाकी मैं आपको बताता हूँ कितना टोल वगैरह कट रहा है इसमें, ठीक है। अभी देखो आप सोना है सिर्फ 11 किलोमीटर दूर और मतलब बहुत अमेजिंग रोड है यार। मैं तब से चला जा रहा हूँ, आराम से 80-90 पे क्रूज कर रहा हूँ और क्या कहते हैं मतलब गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल मक्खन। मतलब आप इस पे ज़्यादा तेज भी चला सकते हो लेकिन जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है, सो स्पीड लिमिट में ही चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी आप ये देखो पहाड़ गुड़गांव के छोटे मोटे पहाड़ हैं, ठीक है, जो फील देते हैं कि हाँ मतलब आप पहाड़ी इलाके में हो। और बाकी आगे टोल बूथ आ गया है, अब
सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है. लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे. मैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस रोड से ट्रैवल कर रहा हूँ, सो देखते हैं कितना टोल वगैरह कटता है. फास्टैग में पैसे तो हैं मेरे सारे वगैरह, तो जैसे ही डिटेक्ट होगा थोड़ी देर के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा. बाकी पूछ भी लेंगे. बाकी सोना 10 किलोमीटर अभी बचा है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी जहाँ तक है, मतलब मैंने सुना है 125 है शायद इनका वन साइडेड का, तो इतने ही पैसे कटेंगे क्योंकि न्यूज़ वगैरह में सब यही शो हो रहा था. बाकी रोड इतनी अच्छी दे रहे हैं यार, तो ऑब्वियसली अमाउंट तो लेंगे ही, चार्ज करेंगे, क्योंकि आप यार गुड़गांव के पूरा ट्रैफिक से आप बच रहे हो. मतलब मेरे को हार्डली यहाँ पर आपसे जो मैंने पेट्रोल पंप पे बात करी थी कि मैंने वहाँ पर रिफिल कराया, तो मेरे को यहाँ तक आने में हार्डली 10 मिनट लगे, वरना यहाँ तक पहुँचने का मतलब है 1 से 1.5 घंटा वेस्ट. पहले यही होता था. सो गाइज लेट्स सी कितना टोल डिटेक्ट होता है. फास्टैग से जहाँ तक है मेरे पैसे कट चुके होंगे, थोड़ी देर के बाद मेरे पास अभी अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट डिटेक्ट हो गया है. बाकी मैं देख भी रहा हूँ, मोस्टली यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा किसी बैनर पे, इनका लगा हुआ होता है कि कार का इतना अमाउंट चार्ज करेंगे, ट्रक का इतना होगा हैवी व्हीकल्स में, और बाकी उससे बड़ी गाड़ियों का इतना अमाउंट. लेकिन मेरे को ऐसा वो अभी कहीं दिखा नहीं. ओके हाँ दिख गया मेरे को, यहाँ पर इस साइड पर है ये. तो इन्होंने कर रखा है कार का 115 है, और उसके बाद 190 400 ट्रक है वगैरह, तो मतलब 115 रुपये लिखा है, तो जहाँ तक है शायद 115 रुपये कटे होगा. तो जैसे ही मेरे पास मैसेज आता है गाइस, शायद आ गया है, मैं दिखता हूँ एक बार. सो गाइस देखो मेरे पास मैसेज आ गया है, इन्होंने अभी डिटेक्ट किए हैं अमाउंट 115 रुपये, जैसे कि फ़ोन में दिख रहा है. तो मेरे पास अभी 115 रुपये डिटेक्ट हो चुका है, तो जैसा कि लिखा हुआ था तो सेम वैसे ही इन्होंने अमाउंट डिटेक्ट किया है. बाकी आप ये देखो यार कितना अमेजिंग ये, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है. आपको जिस साइड भी जाना, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसलिए ये रोड वगैरह सारा बंद कर रखा है, आपको दिख रहा होगा. तो मतलब आपको जिस साइड भी जाना, अब ये पता नहीं मेरे को भी क्लियरिटी नहीं है यार कि ये कौन सी रोड कहाँ पर कहाँ से कनेक्ट होगी, किस हाईवे से कनेक्ट हो रही है. लेकिन मतलब आपको चुटकियों में गुड़गांव से निकलने में अब टाइम नहीं लगेगा इससे ज़्यादा, और जिस रोड पे आप कनेक्ट करना चाहते हो आप उस रोड पे कनेक्ट कर सकते हो बाई ऑल दीज अंडर पासेस और जितने भी ये आपके फ्लाईओवर्स हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे. तो देखिए कितना अमेजिंग रोड हो गया. बाकी ठीक है गाइस आगे चलते हैं, और फिर रोड पर मैं कहीं पर रुकूंगा जरूर थोड़ा बहुत. मतलब हम लोग घर से सैंडविचेस वगैरह बना के लेकर आए थे, तो अपना वो खाएंगे वगैरह थोड़ा नेचर में, अपना अच्छी जगह देख के. वैसे अभी तो बहुत गंदी धूप हो रही है यार, अगर कहीं पे भी वेदर वगैरह अच्छा होगा तो मैं वहाँ पर थोड़ी देर गाड़ी रुक के फैमिली के साथ हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कह सकते हो आप वो करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग रुक कर फिर लंच करेंगे, तो वहाँ का भी हम आपको दिखाते हैं. बाकी आप लोग एंजॉय करो थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स इंस्टा 360 के, और बाकी मजा लो रोड रोड का. किलोमीटर्स और यहाँ पर आए हैं हम रुकने के लिए. अब जैसे ब्रेकफास्ट के लिए टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, थोड़ा सा बीच में रुक गए थे,
सो अभी हम रुक रहे हैं ये मुनी जी करके एक रेस्टोरेंट है, कई बार मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ, सो अच्छी जगह है, स्पेशियस भी है खाने के हिसाब से, लेकिन पार्किंग वगैरह देखनी पड़ेगी यार, थोड़ा उधर को लगाते हैं गाड़ी खींच के अपनी। फुल चल रहा है अभी, गाड़ी थोड़ी साइड में उधर को छांव में लगाते हैं, वरना तो यार ये पक जाएगी बिल्कुल अंदर आपका बन के। ये जगह थोड़ा सही है, कई बार मैं घर आते वक्त यहाँ पर रुका हूँ तो चाय वगैरह पराठे वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। सो गाइस अभी हमने आलू पराठा और चाय ऑर्डर करी है, जिसमें सैंडविचेस हम घर से बना के रखे आए थे। सो पराठा चाय आलू प्याज पराठा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पराठा होता है, चाय भी इनके एंड घर का अपना सैंडविच। ये रास्ते के लिए लिया था लेकिन खाने का टाइम नहीं मिला तो अब वो भी खा लें। ठीक है गाइस, मिलते हैं कार में। सो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा कि तीन लड़के ट्रिपलिंग करके बाइक पे जा रहे हैं, सिर्फ आगे वाले ने हेलमेट लगाया हुआ, थोड़ा फास्ट इसलिए जाना पड़ा, बहुत तेज चला रहे हैं। मेरी गाड़ी अभी 100 पे चल रही है और गाड़ी का नंबर है RJ05। राजस्थान के ये लड़के हैं, कितना लगेज डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है, और कितना अनसेफ होके चल रहे हैं, मतलब इसकी कोई हद नहीं है भाई साहब, मतलब इस तरीके से भी जाना यार क्या सेफ है। और बाइक शायद स्प्लेंडर है या फिर CD डिलक्स है, लेकिन यार इतना अनसेफ होके अगर आप गाड़ी चलाओगे हाईवे को, मतलब बहुत तेज चला रहे हैं। मेरी गाड़ी अभी चल रही है आराम से, आप देखो 80 के आसपास चल रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये ऊपर आ गया क्या कहते हैं फ्लाईओवर सा, थोड़ी स्पीड कम हुई होंगी, लेकिन ये आराम से 90 पे चला रहे हैं, जिसमें लगेज भी इन्होंने रख रखा है, कोई हेलमेट नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। तो प्लीज़ यार ऐसे मत किया करा करो यार, मतलब मैं सिर्फ इसलिए अवेयरनेस के लिए ये डाल रहा हूँ कि यार आप मतलब इस तरीके से रहोगे चलाओगे बाइक वगैरह या फिर, तो फिर यार बहुत आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो वो सामने से किया वाला उल्टी लेके गाड़ी आ रहा है, अब अगर इन लोगों का ध्यान नहीं हो तो ये लोग तो सीधा उसमें टकरा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब रोड है यार। अभी जैसे ये देखो स्विफ्ट वाले ने कैसे एकदम कट मार दिया, तो प्लीज़ बी सेफ गाइस। देखो त्यौहार का साइड इफेक्ट, लोग कैसे भर भर के जा रहे हैं भाई साहब, मतलब ये इको है पर इतने भरे हुए हैं लोग अपने घर पर जाने के लिए यार, मतलब क्या बताओ, मतलब यार इस टाइम पे इतना ज़्यादा रश हो रहा है कि लोग भाई साहब पूरा खचाखच अपनी गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं। सो गाइस वो तो चलो कुछ भी नहीं था, अब आप सामने देखो यार, ये देखो प्राइवेट बस में क्या हाल हो रहा है यार, रक्षाबंधन के टाइम पे लोग कैसे, मतलब यार सेफ्टी कहाँ पे, अगर कोई गड्ढा आ जाए, कोई अगर झटका लग जाए, ये देखो पेड़ के सामने से बंदा निकला यार, अभी पेड़ पे टच कर जाए, मतलब कितना ज्यादा अनसेफ है, मतलब इस टाइम पे लोगों के पास जगह नहीं हो रही है गाड़ियों में जाके, तो लोग इतना अनसेफ ट्रेवल भी करते हैं यार, मतलब यार मेरे को तो देख के शौक हो रहा है कि लोग अपनी लाइफ को इतना ज्यादा रिस्क पे कैसे कर सकते हैं। मतलब ये बस अंदर से तो भरी भरी होगी, अब आप ये देखो भाई कितनी भरी हुई है भाई साहब, लोग मतलब यार बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनको बस ट्रैवल करने से मतलब है, अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी मतलब नहीं सोचना है यार, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, कोई झटका आ जाए, गड्ढा आ जाए, ठीक है, या बस वाला ब्रेक लगाए, वो बंदा देखो पैर निकाल के खड़ा हुआ है अपना आराम से, ठीक है, लेकिन अब वो ये है कि यार क्या पता है यार, इंडिया है भाई कोई। सो गाइस देखो अभी रास्ते में क्या स्पॉट हुआ है, हुंडई का नया मॉडल SX वेन्यू, यार पीछे से क्या अमेजिंग लग रही है ये गाड़ी यार, मतलब भाई के लग रहा है स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, सो हाल ही में लिए होगी भाई ने, लग रहा है डिलीवरी जिनकी भी होगी है, ट्रेवल कर रहे होंगे, लेकिन यार गाड़ी से का पीछे से लुक देखो यार, मतलब यार बिल्कुल वेन्यू का लुक चेंज कर दिया है, मतलब अच्छी खासी चौड़ी भी हो गई है गाड़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पीछे से इसके टेल लैम्प देखो, नीचे का स्पेस देखो जहाँ पर नंबर प्लेट है, मतलब पूरा लुक चेंज हो गया है यार। सो गाइज अभी आप देख रहे होंगे तो ये जो रोड है ये है आपका सीमेंट वाला रोड,
ये देखो आपको ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है थोड़ा सा व्हाइटिश। तो ये जो सीमेंट वाला रोड होता है ना, इस पे आप लोग थोड़ा ड्राइव केयरफुली करना, गाड़ी को ज़्यादा हाई स्पीड में मत चलाना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैंने सोचा आप लोगों को गाइड कर दूँ। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो मैं तो यमुना एक्सप्रेसवे पे नहीं हूँ, लेकिन ये पैचेस आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा मिलेंगे। तो इस पैचेस में क्या होता है, अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी के टायर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ड्यू टू दिस रोड। जो हमारी तारकोल वाली रोड होती है, जो बेसिक रोड होती है थोड़ी सी ब्लैकिश कलर में, उस रोड पे ये गाड़ी के टायर इतने ज़्यादा हीट नहीं होते जितने इस रोड पे होते हैं। तो बी मेक श्योर, या तो अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे या फिर कुछ ऐसे हाईवे पे ट्रैवल करना है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ये पैच मिल रहा है, तो अपने टायर का प्रेशर कम रखना, क्योंकि टायर गर्म होंगे तो आपकी गाड़ी का प्रेशर बढ़ेगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी में मैं अभी रखता हूँ फ्रंट में 35 और पीछे रखता हूँ 33 PSI, क्योंकि आगे इंजन होता है और पीछे मतलब पैसेंजर होते हैं। लेकिन गाड़ी में अभी फैमिली के सिर्फ दो ही मेंबर है, वाइफ है और बच्चा है, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं है। तो अब क्या होता है, जब एसी रोड पर गाड़ी चलती है तो ऑटोमेटिकली 3-4 PSI बढ़ जाता है अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो। अब अगर आप कट टू कट रखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 40-45 किसी ने रखा, ठीक है, और वो बिल्कुल लास्ट लिमिट है, और उसके बाद जब गाड़ी चलेगी, गर्म होगी और गाड़ी हीट करेगी और तब PSI बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके टायर पुराने हैं अगर आपके टायर पुराने हैं तो उस केसेस में क्या होगा, आपके टायर बस्ट होने के चांसेस होंगे। और यार बस्ट होना टायर गाड़ी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी खासी होती है और उस केस में क्या होता है भाई, गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, गाड़ी कहीं पे भी जा सकती है आपका। अब देखो मैं इस रोड की बात कर रहा था, ये तारकोल वाली रोड है, इस पे आप मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गाड़ी इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं करती, लेकिन वो जो पीछे वाला पैच था ना गाइज, उसमें बिल्कुल संभल के गाड़ी चलाना। आप हो सके तो मतलब ज़्यादा हाई स्पीड पर मत रखना, खास करके गर्मियों पर, क्योंकि अभी देखो टेम्परेचर अच्छा खासा हो रहा है और बहुत हीट है यार। गाड़ी का एसी पूरा फुल पे चल रहा है अभी, लेकिन भाई गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। ठीक है गाइस, मैंने सोचा कि आपको एक हेड्स अप दे दूं, आगे प्लीज ध्यान रखिएगा ऐसा कभी हो। सो गाइस अभी देखो आप, हमने अभी मथुरा में एंटर किया है और ये बैरिकेडिंग देख रहे हो आप, कितनी बड़ी बड़ी फेंसिंग लगी हुई है दोनों तरफ है, मतलब इस साइड भी है, इस साइड भी है, और ये तो ऊपर तो शायद ट्रेन के लिए है, ट्रेन का पुल है, लेकिन अब बैरिकेडिंग देखो यार कितनी सही बैरिकेडिंग लगी हुई है। इस बैरिकेडिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि यार कोई भी कैटल हो गई या फिर गाय हो गई या बछड़ा अपना कोई भी, मतलब आपका रूट पे नहीं आएगा जानवर वगैरह, इवन लोग भी क्रॉस नहीं करेंगे अननेसेसरी। आप अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हो, उनके लिए भी सेफ है और हमारे लिए भी सेफ है। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा विकास भाई जो गुड़गांव से है हमारे, और उनका चैनल है एक्सप्लोर टू अनसीन, तो उनके संग भी ये कैटल की वजह से ही उनकी फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि वो बीच रोड पे आ गई। अगर ऐसी रोड ऐसी हाईवे बनी होती तो मेरे को पूरा श्योर है यार उनके संग ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, ना उनका फॉर्च्यूनर का नुकसान होता। सो गाइस मैंने सोचा कि एक आपको हेड्स अप दूँ, अगर ऐसा आपके शहर में भी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पर कैसा बने हुए हैं बैरिकेडिंग्स वगैरह। गाइस देखो यार क्यों सुम लग रही है यार ये ब्लैक कलर की थार, नंबर भी कितना भाई यूनिक है, VIP नंबर है 0009, और भाई ऑटोमेटिक है गाड़ी, साफ दिख रही है, लेकिन यार थार का जो रोला है ना भाई यार क्रेज है, मतलब क्रेज बोलो भाई, बहुत अमेजिंग है यार, बहुत सही लगती है 4x4, और आई एम नॉट श्योर ये पेट्रोल है या डीजल है, लेकिन भाई अमेजिंग लगती है भाई थार यार। गाइस देखो यार स्कूटी का सदुपयोग, मतलब इतना लोडिंग, मतलब यार क्या जुगाड़ करके ये बंदा लेके जा रहा है, कितना सामान, कितने मतलब भाई कैसे बैलेंस कर रहा होगा, और इसने आगे भी दो बंदे बिठा रखे हैं, मतलब टोटल दो जने हैं यार। आप देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितना भाई लगे डाला हुआ है, और ऊपर से दो बंदे बैठ के चला रहे हैं, एक आगे कहाँ बैठा हुआ है। तो गाइस ताजमहल की कॉपी दिखा हुई है देखो यार ये मैंने कई बार नोटिस किया है जब भी मैं घर जाता हूँ यार, ये मथुरा में पड़ता है भाई, पूरा ताजमहल का कॉपी किया हुआ है यार, मतलब पता नहीं, मेरे को श्योर नहीं है यार कि मतलब ये है क्या, क्योंकि कभी इतना टाइम मिला नहीं कि मैं रुक कर इसको देख सकूँ और मतलब क्या है, लेकिन भाई साहब मतलब
स्ट्रक्चर पूरा कह नहीं सकते ताजमहल जैसा, लेकिन आप अगर आप दूर से देखोगे, आप स्पॉट करोगे तो यार बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई ताजमहल है यार। मतलब लेकिन बनाया जिसने भी यार बहुत अमेजिंग बनाया यार। मतलब आप देखो यार सीरियसली बहुत अमेजिंग बना हुआ है सीरियसली। देखो अब पहले हम लोग नीचे से जाते थे तो और अच्छे से दिखता था, लेकिन अभी क्या कहते हैं ऊपर से जाते हैं फ्लाईओवर से तो उस हिसाब से लेकिन यार सीरियसली बहुत अच्छा बनाया हुआ। सो गाइस देखो हमने क्या स्पॉट किया, हमने स्पॉट किया है किया सोनेट का लेटेस्ट मॉडल। यार क्या सही लग रही है यार ये गाड़ी यार। अभी जैसे हमने वेन्यू देखी थी तो वेन्यू का भी वो नया मॉडल था, लेकिन ये किया का है यार। और मतलब बहुत सही लग रही है यार पीछे से गाड़ी का अच्छा खासा टेल लाइट वगैरह डिज़ाइन कर रखी है। गाड़ी पे टेम्प नंबर वगैरह भी नहीं है यार, मतलब तो हाल ही में बंदे ने मुझे लग रहा है इसकी डिलीवरी ली होगी। अब देखो यार इसका साइड लुक देखो क्या सही लग रही है गाड़ी यार अमेजिंग। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल बस में और कैसे मज़े ले रहे हैं। तो नियर टू नियर 7 ईयर ओल्ड 7 साल पुरानी स्विफ्ट अभी भी 16.1 का एवरेज दे रही है मेरे को ऑन एसी, और जिसमें भी मैंने गाड़ी को कंटिन्यू चलाया है 90 Bye and have a nice day.